प्रदेश के मंदसौर में प्रोड्यूसर राजक फर्शीवाला प्रवास पर मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदसौर की प्रतिभा को बॉलीवुड में स्थान दिलाने के लिए चर्चा की। इसी के साथ ही मंदसौर की बेटी हिमांशी गुप्ता फिल्म सूटकेस में संजय दत्त के साथ नजर आएंगी। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रोड्यूसर और राष्ट्रीय गौसेवा संघ के राष्ट्रीय सचिव राजक फर्शीवाला मंदसौर प्रवास पर आए। उन्होंने राष्ट्रीय गौसेवा संघ के संगठन मंत्री और संकल्पित मंदसौर के संस्थापक दिलीप धनराज गुप्ता से मंदसौर की प्रतिभाओं को बॉलीवुड फिल्मों में स्थान दिलाने के लिए चर्चा की। साथ ही राजक फर्शीवाला राजनीति में भी सक्रिय है। वे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के करीबी है। इसी वजह से उन्होंने कई बार बॉलीवुड सितारों को बीजेपी में एंट्री दिलवाई है, जिसमें अर्जुन रामपाल भी शामिल है। राजक ने अपनी आगामी फिल्म सूटकेस के लिए मंदसौर जिले पिपलिया की बालिका हिमांशी गुप्ता का चयन किया है। फिल्म सूटकेस में संजय दत्त मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और हिमांशी गुप्ता संजय दत्त के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएगी। अब दिलचस्प होगा कि मंदसौर की प्रतिभाओं के लिए बॉलीवुड की राह कितनी आसान हो पाती है। इस मौके पर संकल्पित मंदसौर के दिलीप धनराज गुप्ता, जाहिर पठान, साजिद चौधरी, शादाब चौधरी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और बहुत प्यारी जगह है, ये भगवान पशुपतिनाथ की नगरी है और यहाँ में बहुत प्रतिभावान लोग रहते हैं, है ना। मेरे साथ में बरसों पहले से जुड़े हम जो गौ सेवा में भी मेरे साथी हैं, दिलीप गुप्ता जी जो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे बड़े नेताओं में से एक हैं, तो मंदसौर से मेरा लगाव है। बार बार कई बार आ चुका हूँ और ये प्रतिभाओं का शहर है। आप चूँकि एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर के रूप में भी जाने जाते हैं और मंदसौर की प्रतिभाओं में सर एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है लोगों को। नहीं, हमने आप शुरू किया है यहाँ पर संकल्पित मंदसौर के नाम से एक संस्था चल रही है, उसके माध्यम से हम नए युवाओं को चयन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हमने हमारी जो गुड़िया है हिमांशी गुप्ता, उसको हम चांस दे रहे हैं मेरी आने वाली फिल्म में, उसको चांस दे रहे हैं। कौन सी फिल्म का? हाँ, सूटकेस फिल्म आ रही है, जिसमें संजय दत्त हमारे हीरो हैं, बॉबी खान इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। मेरे साथ कशिश खान भी प्रोड्यूसर हैं, तो हम लोग उसमें हिमांशी गुप्ता को चांस दे रहे हैं और जो संकल्पित मंदसौर के माध्यम से दे रहे हैं। राष्ट्रीय गौ सेवा संघ में भी आप लगातार सक्रिय रहे हैं, उसके लिए आप क्या? देखो, मेरा शुरू से मेरे पिताजी जो थे उनके संस्कार मुझके मेरे अंदर हैं। मेरे पिताजी का काम जो था कंस्ट्रक्शन का काम था, तो महू इंदौर के आसपास उन्होंने मंदिर और मस्जिद सबसे ज़्यादा बनाई, तामीर की, कंस्ट्रक्शन की, तो वही संस्कार मेरे अंदर हिंदू मुस्लिम गंगो जमुनी तहजीब जो है वो उसका हमेशा शुरुआत से मेरे अंदर रहा। तो मैं मुझसे कहा गया कि आप इस संगठन में काम करेंगे, मिला मेरा सौभाग्य है कि अगर मैं राष्ट्रीय गौ सेवा संघ का मैं रहकर कुछ काम कर सकूं। हमने जब मुझे जब ये दायित्व दिया गया राष्ट्रीय सचिव का, उसके बाद मैंने सबसे पहले मुस्लिम परिवारों को जोड़ा इस संगठन से, और हमने मेरी तरफ से बहुत सारी गौ माता खरीद कर हमारे जो परिवार हैं मुस्लिम परिवार, ताकि प्रेम बढ़े, उनको मालूम पड़े कि ममता, दो माँ जैसे एक घर में माँ है और एक गौ माता आ जाए, दोनों माँओं का मिश्रण हो जाए और आपस में प्रेम बढ़ जाए और लोग बाग देखें कि एक मुस्लिम परिवार गाय माता की कितनी सेवा कर रहा है, तो उसी को लेके हमने ये सब किया है और आगे भी हम इसी को लेके हमारे जो राष्ट्रीय संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे गुप्ता जी हों हमारे, चाहे हमारे स्वामी जी हों, उनके मार्गदर्शन में हम मुस्लिम गौशाला, अभी तक आपने सुना नहीं होगा लेकिन मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि मुस्लिम गौशाला में आने वाले, अभी ये कोविड का पीरियड चल रहा था, इस दरमियान हम बहुत सारी दूसरी सेवाओं में ऑक्सीजन इंजेक्शन और राशन में लग गए, तो उसमें 1.5-2 साल हमारे लग गए, तो हमारा मेरा खुद का जो कॉन्सेप्ट है, मेरे जो मार्गदर्शक लोग हैं आदरणीय सभी बड़ों से, उनसे मैंने NOC जिसको बोलते हैं ना, नो ऑब्जेक्शन लेटर ले लिया है और उनसे ये बोला है कि साहब मैं मुस्लिम गौशाला का कॉन्सेप्ट ला के और उसमें मुस्लिम भाइयों को और बहनों को जोड़ के और गौशालाएँ चला के जिसमें गौ माता की सेवा होती रहे, इस तरह का मैं करना चाहता हूँ। राजनीति में भी आप सक्रिय रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय के बहुत आसम खास माने जाते हैं। कैलाश भाई साहब का बहुत प्रेम मुझ पर रहा है और अभी भी प्रेम है, मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई थे और बड़े भाई रहेंगे। मैं एक बार जिनसे जुड़ जाता हूँ कभी भी मैं उनसे बाहर नहीं जाता, चाहे जैसे मैं उनको मेरा अभिभावक या पालक मानता हूँ कैलाश भाई साहब को, क्योंकि आज ऊपर वाले के कर्म के बाद जहाँ भी मैं खड़ा हूँ माननीय कैलाश विजयवर्गीय भाई साहब के वजह से ही हूँ और उनकी दुआओं से, उनके आशीर्वाद से हूँ। अगर वो मुझे कहीं बोलते कि राजीव ये कुआ है इसमें कूद जाओ, तो मैं कभी नहीं पूछूँगा कि भाई साहब कहाँ कूदना है, और वो इतने अच्छे इंसान है
कि अगर मैं घंटों उनकी अच्छाई गिनाऊँ आपको तो मैं बोल ही नहीं पाऊँगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा, बाकी उनकी अच्छाइयाँ ख़त्म भी होंगी।